الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكس وإنما ينكس على نفسه صلوات سورہ کی تفسیر کے سلسلے کی گیارہویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور جس کافی ہدایہ پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے یہ دسویں آیت ہے. کل بھی ایک مختصر سی تمہید کے بعد یہ واضح کیا گیا تھا کہ کمال قرب نبی ذات واجب سے اس حد تک ہے کہ عمل پیغمبر عمل خدا، حکم پیغمبر حکم خدا، منشائے پیغمبر منشائے خدا، اور اس طرح سے ہر امر و نہی کی منزل کہ جہاں پیغمبر حکم دے یا روکے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ سب قرآن مجید کی آیتوں کا خلاصہ ہے. امام صادق سے کسی نے ملک سلیمان کی تعریف کی اور کہا کتنا بڑا ملک سلیمان کو عطا ہوا کہ جہاں حضرت سلیمان یہ کہتے تھے ربی ہب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی
परवरदिगार मुझे ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी और को जेब न दे। तो इस मुल्क के मालिक होने के बाद क्या किसी और नबी के लिए कोई मकाम इफ्तिखार है जो मुल्क सुलेमान से बढ़ जाए। इरशाद फरमाया, हाँ वो मेरे जद के लिए है और वो मकाम इफ्तिखार ये है जो सुलेमान को भी नसीब नहीं है मगर मेरे जद को नसीब है, और वो मुल्क सुलेमान से बदर जहां बेहतर है। और वो एक आयत है, वह मा आता कुमुर रसूल फखुजू वह मा नहा कुमनहू फंतहू, जो रसूल लाए ले लो, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। आपने देखा कि अमरो नहिए सरकार रिसालत, वो मुल्क इलाही है। अब मुल्क के सही इस्तेलाह को समझने की कोशिश कीजिए, वो मालिकियत मुतलका है, वो कैफियत है साहेब अम्र की के जहां अम्र रसूल अम्र खुदा करार पाए और उन लोगों को काफिर कहा जाए। अल्लज़ीना युफर्रकून बैन अल्लाही व रुसुलिही, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों में तफरीक पैदा करते हैं, उलाएका हुमुल काफिरून हक्का, ये सूरह निसा की आयत है कि वो काफिर हैं। तो जैसा कि कभी अर्ज किया जा चुका है, जब ये तय हो चुका हो कि वो कदीम है, ये रसूल हादिस है, वो कादिर है, ये रसूल आजिज है, वो आलिम है, ये रसूल उसके इल्म को हासिल करने वाला है, इसके बावजूद ये हुक्म दिया गया कि जो खुदा और रसूल में तफरीक पैदा कर दे वो काफिर है, तो बावजूद इस फर्के हुदूद व क़िदम के, बावजूद इस फर्के इम्कान व वुजूद के, बावजूद इस फर्के फ़क़्र व ग़िना के, ज़ाते वाजिब को पसंद नहीं है कि मेरे क़ुर्ब तमाम पर जो बंदा फ़ाइज हो उसके किसी अमल को उसका अमल बतला कर मुझसे अलग करने की कोशिश। देखिए जितनी आज पेचीदगियां हमको सियासत मजहब में नजर आ रही हैं, वो सब की बुनियाद यही एक जुमला है जो मेरी जबान से अब निकला कि ये तो अमल रसूल है, ये तो मर्जी रसूल है, ये तो इरशाद रसूल है। और ये कहकर कि वो पैगंबर का इरशाद है, मगर हमको इसका इख्तियार है कि हम कुरान की आयत की बिना पर इज्तिहाद करें। तो उसके माना ये है कि जो इज्तिहाद मुकाबले नस से मासूम हो जाए, जो इज्तिहाद मुखालिफ कौल रसूल हो जाए, वो मजहब की बुनियादों को हिला देगा और फिर वो तस्लीम की कैफियत बाकी न रहेगी जहां इस्लाम तस्लीम का नाम है और तस्लीम तस्दीक का नाम है और तस्दीक इकरार का नाम है, इकरार अदा करने का नाम है, और अदा नामुमकिन है जब तक अमल न हो। बाबा जी बड़ा चल रहा है।
मैं एक बुनियादी मसले पर तमहीद में गुफ्तगू कर रहा था और वो ये है कि फ़िल रसूल को अल्लाह के फ़िल से जुदा करने की आगाज इस्लाम से जो कोशिशें हुई और जो आज तक जारी हैं उन सब का एक ही मकसद व मफाद है कि मसालहे जाती जहां मुतजर्रर हो रहे थे, जहां मसालहे जाती मुतासिर हो रहे थे, वहां ये तय किया कि ये तो कौले रसूल है, ये तो कौले रसूल है, मगर जहां कौले रसूल को हुज्जत बनाने की कोशिश की तो बेटी ने कहा मैं तो कौले खुदा को पेश कर रही हूं। जहां पैगंबर के कौल को हुज्जत बनाने की कोशिश की वहां बेटी ने कहा कि माँ काना अभी ले किताब इल्लाही मुखालिफा, मेरे बाप ने कभी किताब खुदा की मुखालिफत नहीं की और किताब खुदा ये है एक बेटा बाप का वारिस होता है और किताब खुदा ये है कि नबी नबी का वारिस हुआ है और किताब खुदा ये है कि यहिया ने विरासत पाई जकरिया की और किताब खुदा ये है कि सुलेमान ने विरासत पाई दाऊद की। जहां तुम ये कह रहे हो कि नबी ने कहा कि हम गुरु है अंबिया, हम गुरु है अंबिया, विरसा नहीं छोड़ते, तो किताब खुदा ये है, किताब खुदा ये है। तो अजीब बात यह है कि मुहकमात कुरान की मुखालफत की गई जिसमें मुतशाबह का इम्कान नहीं था, वो वरेसा सुलेमानो दाऊदा और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, इसमें मुतशाबह क्या है, इसमें मुतशाबह क्या है। रब्बी हबली मिन लदुन का वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब वजअलहु रब्ब रज़िया। ज़करिया की दुआ ये थी कि परवरदिगार अपने बारगाह से एक वली अता कर जो मेरा वारिस हो और आले याकूब का वारिस हो। तो आपने देखा कि माशरे अंबिया के कौल को दो आयतों ने कुरान मजीद की ये कहकर बातिल करार दिया, ये कहकर रद्द कर दिया कि कलाम इलाही के खिलाफ किसी कौल को नहीं लिया जा सकता। तो हैरानी सी हैरानी ये है कि जब कौल रसूल को हुज्जत बनाने की कोशिश की जाती है तो आयत की तिलावत फौरी की जाती है कि यह आयत कुछ और कहती है, और जब आयत को हुज्जत बनाने की कोशिश की जाती है तो कौल रसूल को पेश किया जाता है। और इस तरह से मसालहे वक्ती और मफादात जाती से ये तफरीक खुदा और रसूल के दरमियान डाल दी गई और इस तफरीक को जहां मुख्तलिफ मकामात पर मैं कल अर्ज कर रहा था कि खुदावंद अली आला ने अपने नाम के साथ अपने रसूल का तस्करा किया है
उन्हीं मकामात की तफसील ये है कि ऐ रसूल, मैं जिस्मो जिस्मानियत से मुनज्जा हूं। ऐ रसूल, मैं मकानो मकानियत से बुलंद हूं। ऐ रसूल, मेरे लिए आना और जाना नहीं है मगर कमाल कुर्ब इलाही की मंजिल एक ये भी है कि हाथ तेरा है। देखिए अब ये जिस्मानियत तक गुफ्तगु आ गई, हाथ तेरा है और हाथ का तस्करा किया कि हाथ तेरा है मगर ऐसा नहीं है, वो हाथ हमारा है। वो लोग जो तेरे हाथ पर बैत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह के हाथों पर बयात कर रहे हैं। यदुल्लाही फौकाइदीहिम, अल्लाह का हाथ सबके हाथों पर है। अब मैं सिर्फ यहां एक तशरीह करके आगे बढ़ जाऊं। यहां लफ्ज फौक है तो लफ्ज फौक से बयात के तरीके पर उलमा ने बहस की है कि फौकाइदीहिम कहकर बतलाया कि बयात का तरीका यही है कि बैअत जो करता हो किसी की वो अपने हाथ को नीचे रखे और जो बैअत ले रहा हो वो अपने हाथ को सिर्फ इस तरह से रख दे ताकि जो हाथ फौक आ जाए वो गोया बैअत लेने वाला हाथ है। यदुल्लाही फौक आईदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। यह फौकियत तरीक़े बयात है, यह फौकियत तरीक़े बयात है। सिर्फ हाथ रख देना, सिर्फ हाथ रख देना। तो यह गुफ्तगु इसलिए छिड़ गई कि अगर किसी मकाम पर किसी जगह किसी सिलसिले में अगर बैत का कोई और तरीका राइज हो तो कलाम मजीद की ये आयत उसकी नफी करती है, उसकी नफी करती है और इसके अलावा मजीद तफसील की जरूरत नहीं है। और यही वो मंजिल है जहां ये भी कह दिया वो मन नकसा, और जो बैत करके तोड़ दे। अब ये नाकेसीन की तारीफ है, ये नाकेसीन की जो इस्तेलाह है वो यहीं से है। वो मन नकसा फइन्नमा यनकुसू अला नफ्से ही, तो उस बैत के तोड़ने वाले ने उसका नुकसान नहीं किया जिसकी बैत की थी बल्कि उसने अपने नफ्स को धोखा दे दिया। तो मन नकसा, और कोई अगर तोड़ दे बैत को, फइन्नमा यनकुसू अला नफ्सिही, वो गोया अपने नफ्स को धोखा दे रहा है। तो अब इस मंजिल पर जबकि आए बैत आप समझ चुके तो हम एक ऐसे अहम तरीन मसले की तरफ आज ग्यारहवीं तकरीर में आपकी तवज्जो को मुनातिब करना चाहते हैं जहां सारी दुनिया यह पूछती है कि बयात हुई या नहीं हुई। और आज मैं इस मौकिफ में हूं कि वाज़ह करूं कि बाद रसूल क्या हुआ ताकि आप और आपके तवस्सुत से जहां जहां आवाज जाए वो महफूज रखें कि बाद रसूल क्या हुआ। कल ये बहस थी
क्या बैअत के सिलसिले में शाह अब्दुल अजीज दहलवी लिखते हैं हाशिए में, ये जो ताज कंपनी लिमिटेड का कुरान है कि बैअत का तसव्वुर ही ये है कि पहले किसी उसूल को तय किया जाए कि किस मुआमले में बैअत ली जा रही है, पहले उसूल को तय किया जाए। यानी अगर ये मामला है कि मुझे सरदार मानो तो उसके लिए बैअत, अगर ये मामला है कि अब लड़ने के लिए जाओ उसके लिए बैअत, अगर ये मामला है कि हम आपके साथ जाने दे देंगे और मर जाएंगे तो उसके लिए बैअत, तफसील से लिख के लिखा। मगर ये जो बैअत की आयत है सूरह फतह में, इसका उसूल ही ये तय पाया था, ये शाह अब्दुल अजीज, उसका उसूल ही ये तय पाया था कि इस उसूल पर बैअत ली जाए कि हम नहीं भागेंगे। अब आप समझ रहे मुकदमात को मेरे, यानी एक चीज को पहले तय कीजिए। ये नहीं है कि बैअत के माना जान भी, माल भी, आबरू भी, ईमान भी, इज्जत भी, सब कुछ दे दी कि अब बैअत है। नहीं, बैअत उमूर मुख्तसह में है। यानी पहले किसी तय को, किसी शय को तय करें कि इस अम्र में बैअत, इस अम्र में बैअत। चुनाचे ये जो सूरह फतह की बैअत है वो इसलिए है कि भागेंगे, भागेंगे नहीं। और बैअत किसके हाथ पर हुई? रसूल के हाथ। रसूल के हाथ को ये कहा गया कि ये खुदा का हाथ। और बहस यूं आगे बढ़ रही थी कि वो हय्य कय्यूम है, वो हय्य कय्यूम है, बैअत बाकी है, बैअत बाकी है। और इस तरह से ये मुआहदा भी बाकी है कि फिर कोई कहीं हक से न भागेगा। ये उसूल तय हो गए, अब आइए बाद रसूल क्या हो। बाद रसूल जो कुछ हुआ उसको तकरीबन 21 बरस के बाद लिखने वाले ने अपने खत में अली को लिखा कि तुम भूल गए उस दिन को जिस दिन तुमको एक सरकश और बागी नाके की तरह खींच कर कि जिसकी नाक में लकड़ी डालकर रस्सी से कस दिया गया हो ताकि सर न हिला सके, और इस तरह से तुमको बैअत के लिए पहुंचाया गया, तुम भूल गए। ये 21 बरस के बाद लिखा। और 21 बरस के बाद इस खत का जवाब जो मिला वो कयामत तक के लिए हमारे वास्ते हुज्जत है कि बैअत क्या थी। अब देखिए बहुत गौर से सुनिए, ये जुमले मैंने नश्तर पार्क की मजलिस में कभी पढ़े हैं मगर मैं चाहता हूं आप याद रखें। अब अली जवाब देते हैं अमीर शाम को, वह उल्टा और तूने ये भी कहा कि कुंत उकादु कमा युकादुल जमलुल मख्शूश हत्ता उबाया, कि मुझे इस तरह से घसीट कर ले जाया गया जैसे सरकश नाके को लकड़ी बांध कर उसकी नाक में खींचा जाता है। तू यह लिख रहा है।
अरत्ता अंतजुम्मा फमदहता, तूने इरादा किया था कि मेरी बुराई करे मगर तूने तो मेरी तारीफ कर दी। انت زم فمدحتا وانت افزها وافتزحتا، اور تو نے یہ چاہا کہ میں رسوا ہو جاؤں اور تو رسوا ہو گیا۔ دیکھیے عجیب حجت ہے علی کی، اور قیامت تک اب اس حجت کو یاد رکھو، تمہاری نسلوں تک یہ پیغام جائے، یہ علی کا پیغام ہے۔ وہ قلتا کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ان ابایع و اردت ان تزم فمدحتا و ان تفزها و افتزحتا۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سرکش ناقے کی طرح کھینچا گیا، مجھے لے جایا گیا اور لکڑی باندھ کر کھینچا گیا، تو نے میری مذمت کا ارادہ کیا مگر تو نے میری تعریف کر دی، تو نے مجھے رسوا کرنا چاہا مگر تو خود رسوا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ رسوا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ما کان لمسلم من غزاوۃ فی ان یقوم مظلوما، مسلمان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر دنیا اس کو مظلوم کہے۔ دیکھیے علی کا جواب، مسلمان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر وہ مظلوم ہو جائے۔ مظلوم یعنی ایک لفظ میں، ایک لفظ میں بتلایا کہ جس بیعت کا فسانہ چھڑا ہوا ہے اور جس کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا کھینچا گیا، تو نہ میری رضامندی ہے، نہ میری رغبت ہے، نہ میرا ارادہ ہے، نہ میری خواہش ہے، بلکہ جبر ہے، ظلم ہے، بیداد ہے، مجھے لے جایا گیا ہے۔ علی کو شرم نہیں ہے کہ علی مظلوم ہے؟ عجیب مقام شرم پہ گفتگو کی کہ مجھے اس بات کی مسلمان کو شرم نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو اس بات سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہے یہ مظلوم ہے۔ اب اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، ایک عجیب جملہ ہے، اور ظاہر ہے اس جملے کو میں نے اس سے پہلے جب کبھی بھی تقریر کی تھی یہ جملہ نہیں بیان کیا۔ کہا وہ ہی حجتی قصدت لغیرک، اور یہ جو دلیل پیش کر رہا ہوں یہ تیرے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ یہ جملے کو تو سمجھیے، ہاؤ ہی حجتی قصدت، میں نے جس کا قصد کیا ہے لغیرک، تیرے غیر کے لیے ہے، تیرے غیر کے لیے ہے، اس لیے کہ نہ تو بیعت طلب کر رہا ہے، نہ مجھے کوئی کھینچ سکتا ہے۔ جہاں مجھے کھینچا گیا وہاں یہ حجت ہے، وہاں یہ دلیل ہے، وہاں یہ دلیل ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی منزل تو ہے، جہاں اب تک گفتگو چھڑی ہوئی تھی بیعت کی، تو وہاں گفتگو یہ بھی ہے کہ ارشاد فرمایا امیر المومنین نے کہ میری مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ میں نے یہ دیکھا
कि मेरी मदद करने वालों में सिवा मेरे दो छोटे बच्चों के 11 हिजरी है ये, और सिवा मेरी बीवी के कोई और नहीं है। तो मैंने ये ख्याल किया, देखिए बड़ी अजीब बंदे ये अली की जबान से ये जुमले निकले हैं, फज़ननतु अलल मनिया, मैं घबरा गया कि कोई इन बच्चों को न मार डाले। एक बहाना भाई तलवार खींच गई, ये बच्चे मर गए। इस्लाम का क्या हाल होता, नस्ले रसूल क्या होती, हुकूमतों का क्या रंग होता। फिर उनके खिलाफ एहतजाज की आवाज कैसे बुलंद होती, कौन होता जो राह हक पर आगे बढ़ता और बैअत के सवाल को फिर ठुकराता। فَزَنَنْتُ عَلَيْهِمْ بِالْمَنِيَّةِ, मैं डर गया, मैंने अपने बच्चों को देखा। फातह खैबर, फातह खंदक, मगर मुहाफिज इस्लाम। देखिए जिस शान से सुलह हुदैबिया है उसी शान से यह बयात का मंजर है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ये बैत का मंजर है। और कहा कि हाँ हाँ ऐसा हुआ और जो तू कहता है सही है, मगर तूने चाहा कि मेरी बुराई हो जाए, मगर तूने मधा की, तूने चाहा कि मेरी फजीहत, तू रुसवा हो गया। मैं मजलूम हूं, मुझे कहने में बाक नहीं है कि मैं मजलूम। तो आपने देखा कि जहां सवाल बयात एक महदूद जमाने के लिए हो, थोड़ी सी तवज्जो, एक महदूद जमाने के लिए हो और उसके बाद फिर यह तरीका मुलूकियत से निकलकर तसव्वुफ में राइज हो और रुश्द इरशाद में बयात चले, तो उसके माना अब ये हुए कि वहां इख्तदार आला को तस्लीम करना नहीं है, बल्कि उनके रूहानी फ्यूज की बरतरी को मानना है। यही वजह है कि फिर बादशाह होने अगर बयात चाही या किसी ने भी कहीं बयात की, तो कल का वह जुमला मेरा याद रहे कि आप अपने आइम्मा की फहरिस्त देखिए और ये बतलाइए कि किसी ने क्या अपने इमामत के ऐलान के वक्त बयात मांगी। क्यों? इसलिए कि जब रसूल मबऊस हुआ था तो उससे ये नहीं कहा गया था कि कलमा पढ़ने वाले से बयात लो। तो न बेसत रिसालत के लिए बयात है, न ऐलान इमामत के लिए बयात है। सवाल नहीं पैदा होता मक्के के 12 बरस और तसव्वुर बयात नहीं, मदीने के 6 बरस और यह ज़िलक़ादा का महीना और बैअत का जिक्र नहीं। एक बात दरमियान में आई और फकत इस बात पर आई कि कहीं यह भी न हट जाए
कहीं ये भी न हट जाए, इन जकाओं के न भागे। और फिर अब आप आए थे सुनेंगे, खुदा गवाह है कि दिल कांपता है जब सूरह फतह को बार बार पढ़ता हूं। आयतें आगे ये हैं कि देखो इस बयात को न तोड़ो, बड़ी दौलतें देंगे, मगानिमा कसीरा, बड़ा गनीमत का माल मिलेगा, बयात को न तोड़ो। तो आपने देखा, यानी जात वाजिब वादा कर रही है गनीमतों का कि इतना माल देंगे, घबराना नहीं, फतेह करीब है, घबराना नहीं। तो क्या हौसला होगा उन लोगों का कि जिनसे ये कहा गया हो कि जाओ, चले जाओ, ये शमा भी बुझा दी गई है और कल सबको गले कटाना है, चले जाओ। तो वही मौजूद थे जिनके नाम दफ्तर शोहदा में सब थे। क्या मजाल थी जो कोई ये कह के उठे कि नहीं फरजंद रसूल, हम जाते हैं, यहां गनीमतों का वादा है, वहां शहादतों का तस्करा है। कोई साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ फर्क समझ में आया, कुछ फर्क समझ में आया कि ये 72 की हुकूमत कयामत तक क्यों है। अरे इस तरह से खत्मी मर्तबत ये तय कर चुके, ये तय कर चुके थे कि किसी हाल मक्का महफूज हो जाए, या आखिरी मंजिल है। हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं करते। खुदा गवाह है कि अगर यही 1500 का लश्कर सरकर्दगी में अली की होता और ये अलम्बरदार बनकर आगे बढ़ता तो मक्के का फतह होना कोई मुश्किल अमर न था। मगर जैसा कि मैंने मुख्तसरन आज कहा है किसी मकाम पर, और उसकी तफसील 20 रमजान को दूंगा, कि अगर किसी ने मक्के की मुहाफजत की और किसी ने अगर इस सिलसिले हज को बाकी रखा और अगर किसी के दम से यह सिलसिले हज बाकी है तो वो एक ही इंसान है, वो एक ही इंसान है बाद रसूल, जो मरते दम तक आखिरी मरतबा ये कहे वो अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बकुम वल्लाह तो खल्लू इन तुरे का लम तो ना जरूर। हाँ हाँ, अपने रब के बैत का ख्याल रखो, अगर ये हाथों से निकल जाएगा तो फिर पहचाने न जाओगे, फिर मोहलत न मिलेगी, ये किसी और ने अव्वलीन आखरीन में मरते दम खाने काबा के लिए वसीयत नहीं किया है। किसी और ने खाने काबा के लिए वसीयत नहीं की, किसी और ने मरते दम खाने काबा के लिए वसीयत नहीं की। आज की गुफ्तगू खत्म हुई, उसी को हक पहुंचता है, उसी को हक पहुंचता है खाने काबा के लिए वसीयत करने का, जिसको इसका इल्म है कि मेरा आगाज खाने काबा है। Nare Hadi Nare Hadi
एक अजीब मंजिल है, जाहिर दो शेर है, कसीदा बड़ा तवील है नजीर हुसैन सखा का, के जनाब बिनते असद एक दिन सी घर में तबाह, के दर्द जह हुआ लाहक बहुक्म रब कदीर, फिर इस तरह से बरामद हुई वो चौथे दिन, के सर पे अब्र करामत बगल में बद्र मुनी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफिरुल मनउ वल जुमूद वला يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل موت منتقص سواه، وكل معونع مذموم ما خلاه، والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسر ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، سيقول لك المخلفون من الأعراب، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعوا